Welcome guys! Welcome back to our YouTube channel. उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। सो गाइज, आज के इस व्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं कि बारबेक्यू कैसे करते हैं। हम लोग बारबेक्यू करने जा रहे हैं कहाँ पे? बट ये पता कि बारबेक्यू करने जा रहे हैं, सब कुछ रेडी है, सामान पीछे पड़ा हुआ है। मम्मा पापा भी छोटी मोटी चीज़ें लेने गए हैं, जैसे स्नैक्स वगैरह, चिप्स वगैरह इस तरह की। और बस हम लोगों को नहीं पता कि हम कहाँ पे जाएंगे बारबेक्यू करने, बट इतना पता है कि बारबेक्यू कहाँ जाएंगे। अभी हम कह रहे हैं इधर जाएंगे, गाइस हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह घूमे हुए हैं ना, तो एक जगह जाकर के हम बोर हो गए हैं। तो मॉल से वैसे भी अब जाना पसंद नहीं है, मुझे तो नहीं अच्छा लगता। ओकेजनली कभी कभी हम लोग चले जाते हैं, वैसे उस तरह हम बोर हो गए हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको इस व्लॉग में हम कहाँ जाने वाले हैं। हम लोग व्यूइंग डेक पार्क आ गए हैं। ये वाली जगह मैंने आपको लास्ट टाइम जो जबल ड्रेस का व्लॉग था उसमें नहीं दिखाई थी, सो इस दफ़ा हम लोग इधर आए हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस व्यूइंग डेक इज के आपको यहाँ से पूरी सिटी दिखती है रासुल खैमा की। देखिए कुछ सारा दिख रहा है, और यहाँ पे बाइनोकुलर्स भी लगे हुए हैं देखने के लिए। पे बहुत रश है, तो मैं आपको थोड़ी देर में वो भी दिखाती हूँ। सो गाइस आप फिर देख सकते हैं इस तरह के बाइनोकुलर्स लगे, और उधर से आप नीचे देख सकते हो जूम करके सब कुछ। और भी बाबा देख रहे हैं, आज दानिश मामू भी हमारे साथ आए हैं। दिला अब्दुल्ला, गाइस यहाँ से आपको इस तरह दिखती है पूरी सिटी। और अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। गाइस इस साइड पर एक और पॉइंट बना हुआ है, अभी हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या है। हम यहाँ पे एक दो दफ़ा आए हैं, लेकिन हम इस साइड पर नहीं गए, तो हम लोग वहाँ ही जा रहे हैं। और एरिया है इसी तरह व्यूइंग डेक का, ऊपर यहाँ पे आप बैठ सकते हो, बैठने का एरिया और कुछ खाने पीने की जगह है। हाइकिंग एरिया है ना दानिश मामू? गाइस यहाँ पे नीचे भी एक पॉइंट है बैठने वाला। जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस कि हम यहाँ पे पहले आए हैं, लेकिन हम इस साइड पर नहीं आए, हम लोग दूसरी साइड पर चले जाते थे जहाँ पे ये झूले वगैरह थे, और अब्दुल्ला ने हम लोग वहाँ पे जाकर खेला करते थे, इसलिए हम इस साइड पर कभी नहीं आए। और अब देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत अच्छी जगह है, पहाड़ी है। अब्दुल्ला आराम से आगे नहीं जाना, और हम वहाँ बिल्कुल ऊपर भी जा सकते हैं, उन्होंने वो बनाया हुआ है रास्ता, तो भी हम ऊपर भी जाएंगे। मुझे डर लग रहा है, दूसरी मूवी वीडियो में भी नहीं आया था बिकॉज मुझे डर गया था, मैं रो रहा था। चलो चले ऊपर। नहीं मैं नहीं जा रहा। चलो नहीं, मुझे छोड़ मामू। आशु इसमें चुड़ैल है ना? हाँ ना, ये सबसे बड़ी फिर रही है इधर। चुड़ैल है ना? अब जा, पहाड़ी में आकर नहीं होती। क्यों नहीं होती? होती है ना, अन्ना देख लेना कहीं नीचे से ही ना निकला है तुम्हें।
काटेगी। अब मुझे मम्मी में खारिश हो रही है। गाइस अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ये वही व्यूइंग डेक के बसेस का एक और पार्ट है जो ऊपर बना हुआ है। उधर बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, बाकी सब कुछ सेम है। तो अभी हम उस साइड पर जा रहे हैं। माँ आपको ये जगह कैसी लगती है? ये जगह अच्छी है ना? पापा जी आपको ये जगह कैसी लगती है? अच्छी जगह है, व्यू पॉइंट है, यहाँ से बैठ गया पूरी सिटी देख सकते हो। सबसे मेन चीज़ ये हाईएस्ट पॉइंट है और वेदर बहुत अच्छा रहता है, टेम्परेचर बहुत नीचे है, डाउन है मतलब, तो इसलिए अच्छा है यहाँ पे। आप रिकमेंड करेंगे? रिकमेंड करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को पता है ऑलरेडी, यहाँ पे लोग आते हैं जो जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं, टूरिस्ट उनको पता है हाईएस्ट पॉइंट यूएई का वो यही है जबल जैस। ऊपर वाले पार्ट में आ गए हैं, यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ पे अब्दुल्ला ने भी झूले लगा रहे हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ओपन एरियाज में आके बैठे, जैसे कि यहाँ पे, और यहाँ के ना मौसम ठंडा रहता है, हवा चलती रहती है, और जैसे हमारा सिटी या शारजा का मौसम इस वक्त बहुत गर्म है, लेकिन यहाँ पर भी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है। और लोग यहाँ पर आके बारबेक्यू करते हैं, अपने घर से खाना बना के ले आते हैं, और फैमिलीज यू नो बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं वो आती हैं साथ यहाँ पर आके रह जाते हैं। और अभी हम लोग भी बारबेक्यू करेंगे, यहाँ पर बारबेक्यू ऊपर करना अलाउड नहीं है, इसके लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। बट अभी अब्दुल्ला ने कह रहे थे कि हमें झूले खाने हैं, तो इसलिए हम थोड़ी देर के लिए ऊपर आ गए हैं। और इसे मैं अभी जाके अब्दुल्ला ने आपको दिखाती हूँ वो लोग उधर झूले खा रहे हैं। ने रेस लगाई हुई है। आप मुझे बताएं कौन जीत रहा है? मैं जीत रहा हूँ। तो गाइस ये दूसरा व्यूइंग डेक है जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था, जहाँ पे सिटिंग के लिए बना हुआ है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पार्किंग की जगह भी है, और आप लाइक दोनों का टिकट सेम है, आप उस जगह पे लें या इस जगह लें, आप दोनों जगह जा सकते हैं। देख सकते हैं ये नीचे से जो लोग बैठे हुए हैं उनका है, और ये हम आपको ना उससे दिखा रहे हैं बाइनोक्यूलर से, दूरबीन से। ये देखिए आप, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो कैमरे से थ्रू देखना, वैसे हमें तो बहुत साफ दिख रहा है, पर आपने देख लिया है। मैं आपको दिखा रही थी दूरबीन से, वो ये वाली जगह है, ठीक है, वहाँ से कितना पास दिख रहा था, कैमरे में सही से कैप्चर नहीं हो रहा था, लेकिन हमें बहुत साफ दिख रहा था, है ना मामा? हाँ, बहुत अच्छा दिख रहा था, सही से पता एक एक हाँ जी एक एक बंदा दिख रहा था। अभी हम वो एरिया भी देख सकते हैं इसको टर्न करके। अभी अनम देख रही है, अनम की हाइट इतनी छोटी है, अनम कहाँ चढ़ी हुई है ये देखे। तो हम लोगों ने फाइनली एक जगह पे रुक गए हैं बारबेक्यू के लिए, अपना हम लोगों ने कैंप भी पीछे सेट कर लिया है, और अभी लाइट सेट कर रही है मामा पापा, लाइट सेट कर रहे हैं, और मामू उधर बारबेक्यू के लिए जो अंगीठी है वो तैयार कर रहे हैं, और मैं और अब्दुल्ला नाम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अभी सब हमारा ये रेडी हो जाता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस मामू यहाँ पे अंगीठी तैयार कर रहे हैं, और बाकी लोग आप लोग देख सकते हैं इसी तरह बहुत सी गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे लोग अपनी कैंपिंग कर रहे हैं, और अब्दुल्ला नाम इधर हैं, और मामा पापा लोग लाइट सही कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा कैंप भी रेडी है, और ये सारा सामान पड़ा हुआ है हमारा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि आसपास में लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा रश है, यानी इतने ज़्यादा लोग आए हुए हैं, सब ने अपनी अपनी कैंप्स लगाए हुए हैं, चेयर्स लगा के बैठे हैं, इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं।
इसी तरह ऊपर जितने भी स्टॉप्स बने हुए हैं उधर भी लोग इसी तरह बैठे हुए अपने कैंप्स लगा के चेयर्स वगैरह लगा के, और इस तरह जब नीचे उतरते हैं तो भी ऐसा ही है। अभी हम लोग सब कुछ सेट हो गया है, अंगीठी भी तैयार हो गई है, मामा लोगों ने लाइट्स भी लगा दी है, लाइट भी लगी है इधर, और ये देखें आप चिकन, और यहाँ ये क्या चिकन के ब्रेस्ट पीस, हाँ जी, और ये चिकन कीमा, और ये सारा कुछ चिकन है गाइस, क्योंकि हम लोग कीमा नहीं खाते, मम्मा लोग खाते हैं, हम लोग नहीं खाते, इसलिए मम्मा ने सारा कुछ चिकन का बनाया है। आप ये देख सकते हैं घर से ही सब कुछ मैरिनेट किया हुआ था बेटा, एक शॉपर रखो टाइम से, और अभी अभी हम लोग लगाएंगे, बैग रख लो, और ये भी है साथ टोर्टियास, ये दो मुझे खाली है, ये खाली है, और हम लोग अंदर बैठे हुए हैं, चिप्स खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूं, ये कुछ रहा है ले जाना के बाबा लोग टिक्के तैयार कर रहे हैं, मम्मा यहाँ पे सीखों पे लगा रही हैं, और वहाँ पे बाबा, और यहाँ ये, और ये पापा लोग ना मरा और ना मरा। मम्मा ने मेरे लिए अलहमदुल्ला के लिए ये सैंडविच बनाया है, आप देख सकते हैं केचप लगा दिए हैं और उसके साथ बीच में कबाब रखे, इसे फोल्ड कर देती है मम्मा, और उधर वो बना रहे हैं, और चिकन वगैरह साथ में खुबस रखी हुई है उन्होंने गर्म होने के लिए, है ना, तो क्या रोटी के साथ खाओगी या कबाब, बहुत मज़ा आएगा इस साथ चटनी के साथ, तो बहुत मज़ा आएगा। ये मम्मा ने रोल बनाया, मैंने चटनी में डिप किया हुआ है, और ऊपर कैचप भी लास्ट में चटनी के पास, मैं ड्रेस पे गिर गया, मेरी चिकन भी रेडी हो गई है, और मैं भी चिकन खाने वाली हूँ, मैं अपना व्लॉग यहाँ पे एंड करूँगी। आज हमने खूब मज़ा किया, हमें बहुत मज़ा आया बारबेक्यू करते हुए, और अभी काफ़ी लेट हो गया है, 12 बज गए, अभी जाते जाते हमें 2 बज जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।